देख रहा पीछे से, ये देख रहा नहीं नहीं देख रहा थोड़ा सा बड़ा कर तू देख रहा है लेकिन वो उसको वो अभी ठीक है पढ़ है पढ़ा जा रहा है हाँ सर सर देखिए पहले तो देखिए ये देखिए सिर ठीक किया क्या है कि बर्फ जब इनको पूरा प्लेट उठा हुआ था उसमें से कुछ एरिया को जैसे चेयर जैसा काट दिया तो चेयर जैसा कट को हम लोग बोलते हैं सिर्फ ठीक अगर यहाँ पर अगर ये पीछे हट जाए ग्लेशियर या बर्फ नहीं रहे तो यहाँ पर छोटा मोटा लेक रह सकता है उसको टार लेक भी बोलते हैं और सिर्फ लेक भी बोलते हैं ठीक दूसरा बात क्या है कि दो जो सिर्क होंगे उनके बीच का जो एरिया है बीच का रिज इस चीज को एरिटी बोलते हैं ठीक दो सिर्क काटेगा एक सिर्क इधर से काट रहा है एक सिर्क इधर से काट रहा है तो बीच में जो रिज बन वो तो क्लोज होते जाएगा ना सोचिए कि कट किया कट करके निकाल दिया इधर से कट करके निकाल दिया पत्थर कटे जा रहे हैं तो वो दोनों सटते जाएंगे तो सटते जाएंगे तो वहां पर जो इरेगुलर टाइप का शेप बनेगा रिज उस रिज को बोलते हैं एरिटी अगर मान लीजिए कि दो जगह के जगह में आप सोचिए कि तीन चार जगह से निकल रहा है इधर से ये लैंडफॉर्म है ये लैंडफॉर्म है लैंडफॉर्म इस लैंडफॉर्म में इधर से सिर्फ काटा एक काट के निकाल दिया इधर से काट के निकाल दिया तो बीच में जो बचेगा ये रिज इसको एरिटी बोलेंगे उधर से काट के निकाल दिया एक उधर से काट के निकाल दिया तो जो बीच में बच जाएगा वो हॉर्न है ठीक माउंट एवरेस्ट हॉर्न है पहले लेवल रहा होगा इधर से काट के ग्लेशियर निकाल दिया उधर से काट के निकाल दिया उधर से काट के निकाल दिया तो इसको बोलते हॉर्न बीच में जो चारों तरफ बीच में जो इधर टॉप रहेगा हां उसको हम बोलते हॉर्न ऑन हो जाएगा पहली बार इतना आवाज कर रहे आवाज तो नहीं करता फिर कोई और अच्छा उसको बंद कीजिए रहा है ठीक हम बाकी के बारे में बात मत करेंगे हम बता रहे थे कि कैसे ये मूव करता है ठीक तो मूव करते हैं देख लीजिए इसको बोलते हैं स्पॉट स्नॉट इसको होता है स्नॉट जो आगे में जो निकला हुआ है यहाँ ये इसको होता है स्नॉट ये ग्लेशियर मूव कर रहा है तो इस तरह से बनेगा बीच से आगे भागे भागते जाएगा साइड और थोड़ा पीछे रहेगा तीन को भाग कर लगा साइड में दो भाग और एक मतलब हाँ ये वाला जो एक तीन ग्लेशियर दिख रहा है एक इधर से बह रहा है इधर से बह रहा है इधर से बह रहा है तीन बह रहा है तो ये जो आगे निकल गया ना ये हिस्सा इसको स्नॉट बोलते हैं यहाँ जो निकल गया ये स्नॉट यहाँ स्नॉट हाँ लिखा देंगे अगला अच्छा यहाँ पर नहीं हिमालय नहीं यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये क्या नहीं यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे लैंडफॉर्म को क्या बोलेंगे ये वो वही क्या बोलेंगे सिर्क 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 हुआ ना ये देखिए चेयर जैसा काटा हुआ है इधर से काट दिया इधर से काट दिया इधर से काट दिया तीन तरफ से ऊंचा रहेगा और एक तरफ से फ्लो निकला हुआ रहेगा बैठने का आप सोचिए कि बैठ सकते हैं इस तरह से तो ये सिर्फ हुआ ठीक है नहीं होगा सिर्फ दिख रहा है कुछ फिर देखिए यहाँ पे दिखा नहीं सिर्फ ही है तो तीन तरफ से दिख रहा है ना अभी हॉर्न नहीं दिख रहा है तीन पर हॉर्न नहीं है ठीक तीन जगह से तीन तरफ से काट के इधर से निकाल दिया है नेक्स्ट है हमारा बनने का तरीका बता रहे थे कि यहाँ से ग्लेशियर है मूव कर रहे हैं यहाँ से काट काट के निकला है तो यहाँ पर सिर्फ बना ठीक है सिर्फ बना अगर ये ग्लेशियर खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर एक लेक बन जाएगा इसको बोलेंगे टार्न लेक टार्न लेक विल फॉर्म हियर व्हेन ग्लेशियर मेल्ट्स ठीक
ये बनने का तरीका दिखाया है इसने, एक से एक तरफ से दिखाया गया है। अगला तो ये हो गया काट, यहाँ से ग्लेशियर कभी हुआ करता था किसी जमाने में, काट के निकाल दिया है इस एरिया को और यहाँ पर बन गया टाप लेकिन तो यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ से पी लिया था जैसे कभी निकल रहा होगा तो यहाँ से बने इसको टाप ले। सिंक होल, सिंक होल से मत कम कर दीजिए, प्लंज पूल से ठीक कंप्रेशन है सर, नदी में प्लंज पूल तो ये जो रिज सब है, अगर देखिए आप यहाँ पर एक सेल था, यहाँ एक सेल था और ये दोनों का बीच का जो रिज है इसको रेटी बोलेंगे। अगर पीछे में भी कुछ है तो ये हॉर्न हो जाएगा, हॉर्न दिख रहा है, साथ साथ दो सिर दिख ही रहा है, दो सिर पीछे में से होगा। हाँ अगला पार्ट इसके लिए एक्सप्रेशन उसको बंद कर दीजिए वहां से। तो नदी का क्या है, नदी में छोटा छोटा ट्रिब्यूटरी आके मिलेगा तो घाटी बनाएगा, भी सेट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, काटा भी बन के अंदर से बह रहे, ये काट काट के जब ये दूसरा नदी में मिलेंगे तो इनका भी इरोशनल फोर्स पूरा रहेगा, काटते रहेंगे और उसमें जाकर के मिल जाएंगे दूसरा वाला में, यानी कि इधर से भी सेफ्ट वैली आया बहुत सारा और इधर से भी एक वैली भी सेफ्ट है, ठीक हम लोग पिछले ड्राइंग पर देखे थे। लेकिन ग्लेशियर में क्या है, अगर ग्लेशियर आ रहे हैं छोटे छोटे ग्लेशियर, तो छोटे छोटे ग्लेशियर जितना काट पाएंगे जब उनका पूरा मास इकट्ठा हो जाएगा, तो ग्लेशियर बताते ग्लेशियर बड़ा तेजी से नहीं बहता है तो मास तो बड़ा ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, तो जो मेन ग्लेशियर काटेगा वो ज्यादा काट देगा, मेन ग्लेशियर हाँ जो इकट्ठा होगा पूरा वेट के साथ जो काट रहा है वो क्या होगा, जमीन को ज्यादा नीचे तक काट देगा और जो ट्रिब्यूटरीज है वो कम काट पाएंगे, तो क्या होगा कि एक बड़ा सा यू शेप्ड का वैली रहेगा और उसमें लगा लटकता हुआ फिर यू शेप्ड का वैली रहेगा। पहला बात कि जो ग्लेशियर है वो जो बनाते हैं वो वी शेप्ड वैली नहीं बनाते, यू शेप्ड बनाते हैं, इसलिए यू शेप्ड बनाते हैं क्योंकि नदी जैसे बहेगा, नदी का में पानी का फ्लो बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है तो वो अपना नीचे में काटते हुए बहेगी नीचे में ज्यादा, लेकिन अब ग्लेशियर को लेंगे तो पूरा का पूरा बड़ा सा मास वेट लेकर के पूरा बहेगा, तो साइड में भी अच्छा खासा काट के जाएगा, तो साइड में काटने का वैली बनेगा यू शेप्ड बनेगा, नदी में वी शेप्ड बनता है और इसमें यू शेप्ड बनेगा, यू शेप्ड में जो ट्रिब्यूटरीज होंगी वो ट्रिब्यूटरीज पूरा जो बड़ा का यू शेप्ड है वो पूरा नीचे तक साइड से नहीं काट पाएंगी, वो ऊपर तक ही काटते हुए मिल जाएंगे इससे आकर के, क्योंकि उनका इरोशन कम होगा तो लगेगा कि एक वैली में दूसरा वैली लटक रहा है, तो उसको बोलेंगे हैंगिंग वैली, मतलब एक वैली है ये वैली है ये यू शेप और इसमें छोटा छोटा वैली बना हुआ है ट्रिब्यूटरीज का, तो इसके ऊपर में लटक, तो क्या होगा अगर हिमनदी खत्म हो गया, अगर ग्लेशियर खत्म हो गया तो अगर पानी बन गया तो वाटरफॉल, ठीक है क्योंकि कम ट्रिब्यूटरी कम काट रही है, तो ये इसको देख रही है उसको। तो ये जो है ये यहाँ पर ये ग्लेशियर का वैली है, मेन ग्लेशियर का, और ये जो है ये ट्रिब्यूटरी का है, ट्रिब्यूटरी का हाँ यू शेप्ड तो है लेकिन ट्रिब्यूटरी का है, तो क्या लग रहा है एक पर दूसरा लटका हुआ है, पूरा कट कर देगा ना तो हम लटकता हुआ नहीं बोलते, पूरा यहाँ तक कट कर देते, आधा दूरा कट कर पाया है, हाँ बाद में पानी बन गया है, ग्लेशियर खत्म हो गया जब ग्लेशियर था, तब का बात है, तो ग्लेशियर था तो जब ग्लेशियर यहाँ से बह रहा था बड़ा वाला ग्लेशियर तो नीचे ज्यादा काट पाया, साइड से भी काटा लेकिन ट्रिब्यूटरी उतना नीचे तक नहीं काट पाया तो वो उसके ऊपर लटक गया, ठीक है। नदी अगर होता ना तो नदी होता तो ये क्या कि यहाँ मिलता है नीचे काट देता हुआ, नदी वाले में दिखा देंगे, हम दिखाए थे पहले वापस आएंगे आते हैं।
हाँ यूसुफ वैली है ये, ठीक, ये ग्लेशियर का बनाया हुआ यूसुफ वैली है। हम लोग नदी में भी सब पढ़ रहे थे। जब ग्लेशियर बह रहा होगा तो ग्लेशियर में कुछ मेल्टिंग, अगर पानी पानी बन जाए तो पानी जो होगा वो नीचे चले जाएगा कहीं पर, अगर उसको जगह मिल जाए नीचे जाने का तो नीचे चले जाएगा। आपको पता है कि कहीं पर भी पानी नीचे होता है और जो आइस बर्ग होता है, ठीक है, कहीं से भी उसको कट मिल जाए, क्रैक मिल जाए तो क्रैक नीचे चले जाएगा पानी। अब जब ग्लेशियर जब बहेगा तो ग्लेशियर के पास बहुत बहुत फोर्स होता है, फोर्स होता है, तो ग्लेशियर जो होगा वो अपना पहाड़ का, जिस पहाड़ से बह रहा है वहाँ का पत्थर को तोड़ते हुए, जिसको प्लकिंग बोलते जाता है, जैसे बह रहा है हल्का हल्का तो पत्थर उसका फोर्स से टूट जाएगा तो पत्थर उसके पास होगा और उसी पत्थर से रगड़ रगड़ के पूरा का वैली को जाता है, नीचे से एक पत्थर को तोड़ देगा और तोड़ करके नीचे में घसते घसते जाएगा। तो सोचिए कि पानी जो होगा वो अंदर चला गया, तो पानी के अंदर में जो पत्थर है, जो हिमनदी वाला पत्थर है, वो पत्थर को वो पानी जिससे पूरा का बड़ा से इतना बड़ा, ये हम बता रहे हैं कि ये ग्लेशियर है, पानी नीचे में यहाँ से कर बह रहा है, इतना एरिया से नीचे वाले एरिया से, तो यहाँ से जब नीचे में बह रहा है तो यहाँ पर पानी जो अपना डिपोजिट करता जाएगा पानी, उससे एक रिज बनेगा, ठीक, डिपोजिट से वो रिज बनेगा जिसको हम एस्कर, एस्कर अक्सर हम लोग रोड बनाने में यूज कर लेते हैं, रोड जैसा सेप रहता है। एस्कर क्यों बना, अब आप इसको फिर से सोचिए कि ये पूरा का पूरा एरिया में बर्फ ढका हुआ था किसी जमाना में, वहां से पानी जो है बर्फ पर नीचे में एक नदी जैसा बह रहा था पानी का, और वो नदी का बहने के कारण कोई डिपोजिट होता चला है, ठीक, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऐसा ऊंचा पोर्शन, हाँ ये जो ऊंचा पोर्शन डिपोजिट होता गया तो ऊंचा होता है। और पानी जिस चीज को कैरी करती है ये ग्लेशियर, उसको बोलते हैं मोरेन, जो कुछ ग्लेशियर कैरी करता है ना जो पत्थर, उसको बोलते हैं मोरेन। तो मोरेन जो होगा वो चलते चलते मोरेन जो होगा वो साइड में डिपोजिट भी होते जाता है कहीं कहीं, तो इस साइड में डिपोजिट होगा और फिर आज ये जो स्नॉट बता रहे थे चल रहा है आगे, तो आगे में भी कोई डिपोजिट होगा, मान लीजिए यहाँ तक है, यहाँ तक है, धीरे धीरे पीछे आ रहा है मतलब गल रहा है, तो यहाँ पर जो चीज डिपोजिट होगा उसको होता है टर्मिनल मोरे, टर्मिनल मोरे, ठीक। क्या होगा कि इसके अलावा क्या होगा, कुछ पत्थर जो है जैसे नदी वाला बात बोले वो नीचे भी डिपोजिट हो जाएगा तो उसको होता है ग्राउंड मोरे, और कुछ जो होगा साइड से भी डिपोजिट होता है उसको होता है लैटरल मोरे, लैटरल मोरे। तो यहाँ पर देख लीजिए ये जो है यहाँ पर ये लैटरल मोरे है, ठीक, ग्राउंड मोरे हम लोग नहीं दिख रहा, नीचे में है, नीचे में है, और हम लोग टर्मिनल नहीं दिखेगा अभी क्योंकि स्नॉट में होगा आगे से होगा टर्मिनल मोरे। ये भी एस्कर है, पहचान गए होंगे आप लोग, ठीक, हम बताए थे रिज, ठीक, कभी यहाँ यहाँ पर है अभी बर्फ दिख रहा है, किसी जमाने ऐसे जगह बर्फ रहा होगा और बर्फ के नीचे में जो पानी बह रहा था वो जो डिपोजिट किया उसका बोले एस्कर। अगर बहता हुआ पानी पत्थर डिपोजिट किया, मेटल डिपोजिट किया, तो उसको लगे एस्कर, वो लंबा सा एक ब्रिज होगा, और सोचिए एक जगह में ही पूरा पूरा मेटल डिपोजिट हो गया, ऊपर से कुछ क्रैक मिल गया और वहां से एक ही जगह पूरा पत्थर डिपोजिट हो गया, तो एक माउंड बनेगा, उस माउंड को हम बोलते हैं ड्रम लेन, ड्रम लेन। ये देखिए हम माउंड बना हुआ, अब घर बन गया यहाँ पर, ये ड्रम लेन है, ये भी ड्रम लेन है, यहाँ भी ड्रम लेन है। एस्कर और ड्रमलिन में क्या फर्क है, एस्कर लंबा सा रिज होता है सर्पिला, और एक जगह पर माउंड बनता है डिपोजिट से, उसको बोलते हैं ड्रमलिन, 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 ठीक। नेक्स्ट
कि कहीं पर ग्लेशियर है, ग्लेशियर का कुछ हिस्सा टूट गया, अलग हो गया, तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको? नहीं नहीं, कुछ हिस्सा टूट करके आगे चल गया, कुछ नाम है ना उसका? नहीं नहीं, वो नहीं बोल रहा है, आइसबर्ग बोलते हैं, आइसबर्ग बोलते हैं, टूट गया, टूट गया, बहुत बड़ा मास है और मास टूट करके और उसमें से क्रैक पड़कर एक हिस्सा आगे निकला, वो तो आइसबर्ग अभी जो टूटा वहां से लार्सन सी, तो भी तो आइसबर्ग ही है, समुद्र में है, लेकिन जमीन पर ही आइसबर्ग बन गया बड़ा सा, तो बड़ा सा जो आइसबर्ग बन जाएगा तो वेट होगा, अब बहुत दिन तक वहां रह जाएगा तो उस वेट से जमीन में थोड़ा डिप्रेशन हो जाएगा, और बाद में जब वो गल जाएगा तो गल जाने का वहां एक लेक बनेगा, उसको बोलते हैं क्रेटर लेक। टार्न जो है ना वो इरोशनल है, इरोशनल का मतलब है कि वो एकदम ऊपर के लेवल में है, मतलब जब जहां पर शुरुआत होगा ग्लेशियर का वहां पर होगा, ये तो टर्मिनल में होगा, जब ग्लेशियर बिल्कुल खत्म होने वाला है वहां पर टूट गया और वहां पर डिप्रेशन बना दिया केटल लेक, ये तो वापस आ गया, ये कुछ छूटा लेकिन एक चीज़।